वेलकम टू यूनिक स्कूल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग आपका जो एकेडमी लर्निंग मैनेजमेंट जो पीएसपी स्किप है उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फुल स्टेप देखेंगे कैसे आपको ये करना है। सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है उसको हम लोग ओपन करेंगे और ये हमारा वेबसाइट है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारा जो गूगल सर्च कंसोल है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल लिखकर सर्च करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग गूगल सर्च कंसोल लिखकर सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का जो टूल है वो आ जाएगा, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है उसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लोग डोमेन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग डोमेन को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग यूआरएल को ऐड करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट के यूआरएल है वो डालेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेबसाइट, इसके यूआरएल को कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंटर बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल दिया है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो वेरीफाई है वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली हम लोग हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, इसलिए ऑटोमेटिक वेरीफाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग गूगल एनालिटिक्स से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो HTML फाइल, तो HTML फाइल को इसको डाउनलोड करके आपका CPanel का होम पेज के अंदर इसको अपलोड अगर करोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर वेरीफाई बटन में क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर HTML टैग दिया हुआ है, इस टैग को कॉपी करके आपका वेबसाइट के अंदर ऐड करना है और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स से भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई करेंगे। गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपका जो वेबसाइट है उसको गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी ये वीडियो है किस तरह से आप लोग एकेडमी लर्निंग मैनेजमेंट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करोगे, वो वीडियो आपको देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर गूगल एनालिटिक्स से ही वेब मास्टर टूल यानी कि सर्च कंसोल को वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वेरीफाई बटन में क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेरीफाई बटन में क्लिक कर दिया है और हमारा जो ये वेबसाइट है ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई फेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई फेल्ड दिख रहा है, ओके में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड से यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप लोग टैग को ऐड करना चाहते हो कर सकते हो और हम लोग यहाँ पर HTML फाइल से इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, अभी इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमारा जो CPanel है उसमें लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो CPanel है उसके अंदर हम लोग लॉगिन है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपका जो डोमेन है उसको ओपन करना है। यहाँ पर मेरा जो डोमेन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा डोमेन है, तो इसको हम लोग ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग जो ये HTML फाइल को डाउनलोड किए थे इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और हमारा जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड हो गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100% अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर गो बैग में जाते हैं। गो बैग में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ये फाइल है। ठीक है, तो इस फाइल को अगर आप लोग व्यू में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गूगल साइट वेरिफिकेशन का कोड है ये, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर HTML फाइल में इसको वेरीफाई में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई में क्लिक करता हूँ और ये हमारा फाइल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओनरशिप वेरीफाई, यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई मेथड, यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा वेरीफाई हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, गो टू प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ चुके हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू और यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर पेस
और यहाँ पर साइड मैप वगैरह दिखेगा, यहाँ पर साइड मैप, साइड मैप यहाँ पर आपका जो एकेडमी लर्निंग मैनेजमेंट इसकी भी इसके अंदर नहीं है, तो आपको खुद ही साइड मैप को क्रिएट करना होगा। साइड मैप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। कैसे आप लोग साइड मैप को क्रिएट करोगे अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको देखूंगा कैसे आप लोग साइड मैप को क्रिएट करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आपको फीचर वगैरह मिल जाएगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वाइब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।